पोते की शादी के बाद अब धर्मेंद्र हुए इमोशनल। पत्नी हेमा मालिनी और बेटियों के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट। वेल, आपको बता दे, वेटरन एक्टर धर्मेंद्र हाल ही में अपने पोते करण देओल की शादी के जश्न में शामिल हुए। उन्होंने अपने पोते की शादी में खूब धमाल मचाया। डांस से लेकर इमोशनल पोयम बोलने तक का उनका वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ। इस शादी में पूरा देओल परिवार मौजूद था, लेकिन धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी, बेटियां ऐशा देओल और आहना देओल नजर नहीं आई थी। मालूम हो एक्टर जल्दी करण देओल की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में आलिया भट्ट और रणवीर सिंह के साथ स्क्रीन पर धमाल करते दिखाई देंगे। वहीं अब एक बार फिर धर्म जी ने सबका दिल जीत लिया है। दरअसल पोते करण की शादी के कुछ दिनों बाद ही एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल नोट लिखकर पोस्ट किया। इस पोस्ट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वेटरन एक्टर ने अपने दिल की पूरी बात ये नोट के जरिए बयां कर दी है। आपको बता दे, बुधवार की रात को धर्म जी ने अपनी पत्नी हेमा मालिनी और बेटियों ऐशा और आहना को एक पोस्ट समर्पित किया। अपने नोट में धर्मेंद्र ने बताया कि वह अपने परिवार से कितना प्यार करते हैं और उनका कितना सम्मान करते हैं। धर्मेंद्र ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर बेटी ऐशा देओल के साथ एक खूबसूरत फोटो शेयर की है। तस्वीर में दोनों साथ बैठकर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्ट के कैप्शन में धर्मेंद्र ने लिखा, ऐशा, आहना, हेमा और मेरे सभी प्यारे बच्चे तख्तानी और वोहरा को मैं प्यार करता हूँ और दिल से आप सभी का सम्मान करता हूँ। उम्र और बीमारी मुझे बता रही है कि मैं आपसे पर्सनली बात कर सकता था, लेकिन वेल, क्या कहना है आपका इस खबर पर? और अब तक की धर्म जी की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।